इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और सूबाई गवर्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। जी हाँ, यह हम तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद भी हमारे पास डिटेल्स हैं, वो जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना पड़ेगी। आपको बताएं कि कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहलियत खत्म होने की राह हमवार हो गई है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और सूबाई गवर्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। कौमी असेंबली ने नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल करने का बिल इत्तफाक़े राय से मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तायुन नहीं किया गया, वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। नए कानून की एक और अहम बात यह है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और सूबाई गवर्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत के बगैर आम इंतखाबात की तारीख दे सकेगा।